नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिहार, बिहारी और छठ पूजा, ये एक ऐसी तिकड़ी है जो एक दूसरे की पहचान को पूरी तरीके से पूर्ण करने का काम करती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर के साथ साथ जबलपुर में भी मनाया जा रहा है। बात करते हैं छठ पूजा की, तो हिंदुस्तान की ना जाने कितनी संस्कृतियाँ, ना जाने कितनी धरोहरें समय के साथ साथ धीरे धीरे खोती रही, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है। बिहार के लोग, उत्तर भारतीय लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों को बचाने का, सजोने का और संभालने का एक बेहतरीन काम किया। उन्हीं धरोहरों में से एक है बिहार में होने वाली छठ पूजा। कहा जाता है कि बाकी त्योहार में घर बुलाता, लेकिन छठ पूजा में गांव बुलाता। आखिर गांव क्यों बुलाता है? तो इसके पीछे का महत्वपूर्ण रीजन ये है कि नहाए खाए से शुरू होने वाली इस छठ पूजा का प्रथम दिन, दूसरे दिन बनने वाला खरना और तीसरे दिन होने वाली छठ पूजा, ये एक ऐसा त्यौहार है, ये एक त्रिदिवसीय होने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण त्यौहार है जब कोई भी व्यक्ति छुट्टी, नौकरी, धन दौलत की परवाह न करते हुए छठ पूजा के दिन अपने गांव की तरफ भागता है। ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, टिकट कितना होगा, पैसा कितना खर्च होगा, नुकसान कितना होगा, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक आदमी अपने गांव पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है कि छठ पूजा में घर नहीं, गांव बुलाता है। यही वो अवसर होता है जब पता चलता है कि रामू चाचा के बेटे क्या कर रहे हैं। जो गांव की वो छोटी सी गुड़िया जो स्कूल में पढ़ा करती थी, वो अब कहाँ रहती है, किस लड़के की नौकरी कहाँ लगी है, कौन सा लड़का कहाँ रह रहा है, कौन सा लड़का क्या पढ़ाई कर रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है साल भर में होने वाली छठ पूजा। छठ पूजा ही वो त्योहार होता है जब कोई भी व्यक्ति जा करके अपने गांव के बुजुर्गों से मिलता है, उनका आशीष लेता है और एक बार फिर से भरी हुई ऊर्जा के साथ, छठ माई के आशीर्वाद के साथ वो लौटता है, एक उम्मीद के साथ अपने काम की तरफ, अपने कर्तव्य क्षेत्र की तरफ, कि अगले बरस फिर से छठ माई हमें बुलाएंगी, हम गांव आएंगे और गांव से अपना प्रेम, अपनों से अपना प्रेम फिर से हमें मिलेगा, फिर से उनका आशीष हमें मिलेगा। छठ पूजा में बनने वाले खरना की तो बात ही कुछ अजब होती है, बात ही निराली होती है। और ठेकुआ ऐसी मिठाई, एक ऐसा पकवान जो छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद माना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रसाद होता है और जिसके बिना ये छठ पूजा कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। कहते हैं कि ठेकुआ की मिठाई का फीकापन जिंदगी में मीठापन भरने के लिए बेहद ही खास होता है और एक प्रसाद के तौर पर छठ पूजा में उपयोग की जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार को, बिहारियों को छठ पूजा एक साथ लेकर के आती है। छठ माई के आशीष से गाँव की एक वीरान सी पड़ी नदी, गाँव का एक छोटा सा तालाब पूरे गांव के लोगों से भर जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे छठ पूजा में मन स्वयं ईश्वर आकर के उस नदी का आचमन करते हैं। उस नदी के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारा प्रेम है बिहार का, उत्तर भारतीयों का इस छठ पूजा के साथ। छठी मैया आप लोगों पर अपना स्नेह, अपना आशीष, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।